उससे उन सिर्फ एमपीज को पता नहीं खुश करना चाहते हैं या अपनी पार्टी के खुशी के लिए, पार्टी के नामो नमूद के लिए इन्होंने सब कुछ किया है ये। और अब मैं ये कहना चाहता हूँ कि वैसे भी इनका उद्घाटन नामुकम्मल है भाई, देश तो ये पार्लियामेंट तो सबकी है, हर कौम हर बिरादरी की है, छोटे बड़े की है, सबका इसमें बहरहाल खून पसीना इसमें शामिल है। तो इसमें सारे जैसे कि आप हिंदुओं की तरफ से बहसीत हिंदू के उसमें वो जो उद्घाटन के वक्त जो कुछ भी मजहबी काम करना चाहते हैं, तो ये तो जब मुकम्मल होता जब हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबको गुरु धर्मों को बुलाकर, उनसे भी गुरु धर्मों को सबके बुलाकर उनके भी पाठ कराते, उनसे भी उनकी भी इबादत जैसे वो करती है अपने हिसाब से उनसे भी दुआ कराते तो मुकम्मल होता, ये नामुकम्मल है इस हालत में। और दूसरे हमारी सारी अपोजिशन की ज्यादातर पार्टियों लगभग 20 पार्टियों ने तो उसका बायकॉट कर ही दिया है। जी हाँ, मैं भी पार्टी के बहरहाल अपोजिशन के साथ हूँ। नई सांसद की कोई ज़रूरत नहीं थी, ईमानदारी से देश बहुत मुश्किलों से भूखमरी से गुजर रहा था, महंगाई से को झेल रहा था, इन हालात में जो पैसा आज इसमें लगाया गया है तो वो पैसा उनकी उनकी खुशहाली के लिए, या जो नौजवान पढ़े लिखे घर बैठे हैं उनको नौकरियां नहीं मिल रही और महंगाई की कुछ चिंता नहीं रही, तो उसमें तो खर्च नहीं किया गया, बल्कि पार्लियामेंट की क्या जरूरत थी, इंदौर पार्लियामेंट बनी हुई है पहले से, हमारे पास पार्लियामेंट में उसमें एक ईंट भी नहीं खिसकी है जिसकी, और सारी फैसिलिटीज हैं उसमें। अब ये तुमने अपने नाम निहाद के लिए सिर्फ ये कह कि बीजेपी ने बनाई, बस इसलिए आपने ये बनाकर सारा दौलत इसमें लगा दी, हमारे यहाँ तक के हमारी निधि का पैसा भी उसमें जो काटा गया है, तो यकीनन कुछ ना कुछ यही इसमें गड़बड़ हुई है। तो बहरहाल संसद अगर ये ठीक नहीं होती तो उस हालत में बनती तो कोई एतराज़ नहीं करता, लेकिन और देश के अंदर इस वक्त इतनी बुरी हालत है कि देश बहरहाल जिस जगह पर खड़ा हुआ है वहाँ सारे लोग परेशान हैं, इनकी पार्टी के लोग भी परेशान हैं। हम यही नहीं कि मुसलमान परेशान है या हिंदू परेशान है या छोटा परेशान है, हर बिरादरी हर कौम का आदमी पर मतलब ये इस महंगाई ने जो असर डाला है, आपने देखा कि अभी कर्नाटक में जीत हुई, उन्होंने उसका 600 रुपए का कर दिया,